गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जो आज आपका टॉपिक है वो है इंटरव्यू। मैंने आपको बताया था तथ्य संकलन के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत जिन्हें अध्ययनकर्ता स्वयं जाकर इकट्ठा करता है, सूचनाओं का संकलन करता है। जैसे मैंने कल आपको अवलोकन बताया था, ऑब्जर्वेशन, कि अध्ययन क्षेत्र में जाकर सूचनाओं को संकलित करना। अब सूचनाओं को संकलित करने की कुछ विधियां होती हैं, उसी में से एक है इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। देखिए, साक्षात्कार या इंटरव्यू सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विधि है। महत्वपूर्ण विधि इसलिए है क्योंकि जब हम विभिन्न सूचनादाताओं से आंकड़ों को कलेक्ट करते हैं या इकट्ठा करते हैं, या फिर जैसे कोई विषय है, फॉर एग्जाम्पल बाल अपराध है, महिलाओं की समस्याएं हैं, कृषकों की आत्महत्याएं हैं, जब हम किसी अध्ययन क्षेत्र में अवलोकन करने जाते हैं, अवलोकन करने मतलब देखने, ऑब्जर्वेशन करने जाते हैं, जब हम लोगों से कुछ प्रश्नों को पूछते हैं आमने सामने की स्थिति में, उसे साक्षात्कार भी बोला जाता है। देखो, इंटरव्यू, सबसे पहले तो इस शब्द को समझना बहुत जरूरी है। इंटरव्यू अगर हम देखें, ये अंग्रेजी भाषा के साक्षात्कार, इसे अगर हम साक्षात्कार हिंदी में बोलते हैं साक्षात्कार, और ये अंग्रेजी भाषा के इंटरव्यू से बना है। इंटरव्यू दो शब्दों से बना है, इंटर प्लस व्यू। इंटर बोलते हैं इनर, मतलब अंतर, अंदर के लिए। व्यू मतलब देखना, किसी के अंतर दृष्टि के ज्ञान को जानना, किसी के अंदर क्या चल रहा है या उसके अंदर क्या ज्ञान है, उसके लिए हम इंटरव्यू या साक्षात्कार शब्द का प्रयोग करते हैं। मौसम ने भी कहा है, साक्षात्कार अध्ययन की भी प्रक्रिया है जिसमें अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाता के बीच आमने सामने की स्थिति में वार्तालाप होता है और प्रश्नों और उत्तर के जवाब दिए जाते हैं। ध्यान से समझना, ऐसा कहा गया है कि इंटरव्यू साक्षात्कार अध्ययन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अध्ययनकर्ता और उत्तरदाता के बीच आमने सामने की स्थिति में, जैसे अध्ययनकर्ता उत्तरदाता से प्रश्नों को पूछता है, उत्तरदाता या रिस्पोंडेंट जो होते हैं वो उनका जवाब देते हैं। तो साक्षात्कार अध्ययन की एक प्रक्रिया है। खास तौर पर जैसे मैंने कल बताया था आपको, अवलोकन के समय सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन और अर्ध सहभागी अवलोकन। जब व्यक्ति अवलोकन के लिए किसी क्षेत्र में जाता है तो सबसे ज्यादा जो चीजें प्रयोग में लाई जाती हैं वो है साक्षात्कार, अनुसूची और प्रश्नावली। साक्षात्कार इंटरव्यू, अनुसूची शेड्यूल, प्रश्नावली प्रश्नों की सूची। ये क्या होते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में जा रहा है समय से बचने के लिए, अपने काम को जल्दी करने के लिए, अपने काम में निपुणता लाने के लिए साक्षात्कार पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो साक्षात्कार अध्ययन की एक पद्धति है और सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में साक्षात्कार पद्धति का बहुत प्रयोग होता है। उसके पीछे रीजन है, इसमें साक्षात्कार के कुछ उद्देश्य बताए गए हैं, इन्हीं को मैं बताऊंगी। जैसे फर्स्ट है प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा सूचनाएं। जब हम किसी व्यक्ति से साक्षात्कार लेते हैं, किसी घटना, किसी भी क्रिया से संबंधित, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था कल, हम एक विषय है कृषकों की आत्महत्याएं, इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि किसान आत्महत्याएं क्यों करते हैं, क्या रीजन है। तो हमने व्यक्तियों से जाकर संपर्क किया, पूछा कि आपके गांव में किस किस प्रकार की खेती की जाती है, सिंचाई का माध्यम क्या है, और खेती के अलावा आप किस किस चीजों से कमाते हैं। तो जब हम लोगों से साक्षात्कार किया, उनका इंटरव्यू किया, उनकी अंतर्दृष्टि को पहचाना, तो हमें पता चला लोगों के पास खेती के अलावा कोई भी उपाय नहीं है जिससे वो कमाई का साधन जुटा सके,
दूसरा खेती के लिए जो सिंचाई है, ना तो नहर है ना नदियां है, सिर्फ पूरी उस पर निर्भर है, इसमें वर्षा के जल पर। तो ऐसे में मुझे उनके साक्षात्कार करने से कुछ ऐसे फैक्ट्स कलेक्ट हुए कि जिससे मुझे ये प्रतीत हुआ कि यदि बारिश ना आई तो इनकी सबकी खेती, मेहनत और जो इन्होंने पैसा लगाया है बीज में, सब कुछ बेकार हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो साक्षात्कार अध्ययन की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा सूचनाएं एकत्रित की जाती है। प्रत्यक्ष संपर्क, आमने सामने की स्थिति में लोगों से जाकर प्रश्नों को पूछा जाता है और उनके उत्तर को जाना जाता है। तो इसमें प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा सूचनाएं संकलित की जाती हैं। उपकल्पनाओं का स्रोत, देखो उपकल्पना, हाइपोथेसिस मैंने आपको बताई थी, फिर से अभी थोड़ा सा रिमाइंड करा दे रही हूं। जब भी कोई हम अध्ययन कार्य करने के लिए जाते हैं या करने की सोचते हैं तो उससे संबंधित सबसे पहले हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, उपकल्पना बनाते हैं। उपकल्पना कहते हैं अध्ययन की रूपरेखा एक तरह से, कि जो हमने कृषकों की आत्महत्याएं या महिलाओं की हमने समस्या लिया है उनके बारे में हम क्या सोच सकते हैं। हमने उपकल्पना बनाई, अधिकतर किसान आत्महत्याएं करते हैं कर्जे के बोझ से। हमने ये हाइपोथेसिस बना ली, क्या हाइपोथेसिस बनाई कि उनका जो लोन होता है, कर्ज जो होता है, उनकी आत्महत्या का एक कारण होता है। अब हमें वहां जाकर देखना जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है क्या वो सही सिद्ध हो रही है, क्योंकि कई बार देखो जब हमें कहीं जाना होता है, फॉर एग्जाम्पल ऐसी जगह जहां हमें पता ही नहीं है कि वह जाना कैसे है, तो हम सबसे पहले जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हें केदारनाथ जाना है, आज तक तुम केदारनाथ गए नहीं हो, अब तुमने मन में ठाना है कि मुझे इस बार केदारनाथ जाना है और तुमने बैकपैक किया, घर से सुबह को निकल गए, ठीक है, और तुम जाने के नजीबाबाद में ट्रेन में बैठने लगे केदारनाथ जाने के लिए, तो ये तुम्हारा गलत स्टेप होगा। अगर हमें केदारनाथ जाना है तो पहले उसके रास्ते की जानकारी, उसमें क्या क्या साधन जाते हैं उसकी जानकारी, वहां का मौसम कैसा है, तुमने तो टी शर्ट और पैंट और ये सब रख लिए, और केदारनाथ में मौसम कैसा है, बर्फीली हवाएं, ठीक है, तो कहीं भी जाने से पहले उस जगह के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि अगर हम वहां जाएंगे जाने से पहले यदि हम पूर्व तैयारी कर लें तो वहां पे आने वाली कठिनाइयों से बचा जा सकता है, जो मुश्किलें पैदा हो सकती हैं हम अपनी राहत को आसान बना सकते हैं। इसी तरीके से बच्चों उपकल्पना है, हाइपोथेसिस, कि जब हमें रिसर्च का कोई भी कार्य करना होता है, कार्य को आसान बनाने के लिए, अपने आप को एक राह दिखाने के लिए हम हाइपोथेसिस बना लेते हैं, जिसे हिंदी में बोला जाता है उपकल्पना। तो जो साक्षात्कार होते हैं वो उपकल्पनाओं का स्रोत होते हैं। वो कैसे, जैसे मैंने अभी अभी एक हाइपोथेसिस बनाई कि जो किसानों की आत्महत्याएं हैं उसमें उनका लोन या कर्ज सबसे बड़ा कारण होता है उनकी आत्महत्या का। तो जब अब मैं अध्ययन क्षेत्र में जाऊंगी तो मैं देखूंगी जो मैंने हाइपोथेसिस बनाई है क्या वो रेलेवेंट है, यानी उपकल्पनाओं का स्रोत होती है साक्षात्कार, क्योंकि साक्षात्कार में बैठते ही मेरा उनसे प्रश्न होगा क्या जो व्यक्ति मरा है उसने कर्ज लिया था, उसने कहा हाँ, उसने चुका दिया था कि नहीं, वो मरा ही इसलिए कि वो कर्ज चुका नहीं पाया, तो हम इन चीजों को साक्षात्कार के माध्यम से जान सकते हैं। ऐसे ही व्यक्तिगत तथ्यों की प्राप्ति, जो हमें पर्सनली फैक्ट होते हैं ना, हमें साक्षात्कार से ही पता चलते हैं, हम दूर बैठे किसानों की आत्महत्याओं के बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते। हम जब अध्ययन क्षेत्र में जाएंगे, लोगों से उनकी परेशानियों को पूछेंगे और पूछेंगे आत्महत्या के पीछे कारण क्या है, सिर्फ कर्ज ही है या और भी है, पता चला कि बारिश ही नहीं आई इस साल, वहां पूरे साल वहां सूखा पड़ गया, जितने किसान थे सबकी फसलें नष्ट हो गई,
मैं खुद तुम्हें अपना अनुभव बताती हूँ। जो मैं पीसीएस के एग्जाम देती हूँ उसमें रिटर्न पेपर आता है, सेकंड प्री के बाद जो मेंस होता है, मेंस पूरा डिस्क्रिप्टिव होता है, हमें प्रश्नों के आंसर लिखने पड़ते हैं। फर्स्ट तो ऑब्जेक्टिव होता है प्री, मेंस पूरा डिस्क्रिप्टिव होता है। तो मेरे ही आदर्श में जैसा मेरा सिलेक्शन हुआ था, एक क्वेश्चन आया था इकोनॉमिक्स में कि भारतीय मानसून किसानों के साथ जुआ खेलता है, भारतीय मानसून किसानों के साथ जुआ खेलता है। ठीक है, एक तरह से ये एक हाइपोथेसिस हो गई अगर देखा जाए कि भारतीय मानसून किसानों के साथ जुआ खेलता है। अब इससे हम क्या अंदाजा लगाएं कि किसान उस मानसून के निर्भर रहकर अपने बीजों को बो देते हैं इस उम्मीद के सहारे कि बारिश आएगी और हमारी फसलें लहलाएंगी, हमारी अच्छी उत्पाद होगा, अच्छी फसल होगी, वो इस सोच से बैठे रहते हैं। लेकिन बारिश होती नहीं है, उनके जो बीज बोते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। एक तरह से भारतीय मानसून किसानों के साथ जो खेला तो आई तो आई, नहीं आई तो सब कुछ बर्बाद। तो व्यक्तिगत तथ्यों की प्राप्ति अगर हम देखें, हमें अध्ययन क्षेत्र में जाकर साक्षात्कार के माध्यम से ही प्राप्त होती है। फॉर एग्जाम्पल, अखबारों ने भर दिया किसान आत्महत्या कर रहे, सरकार की नीतियां गलत है, सरकार की पॉलिसियां गलत है, जिसके कारण असंख्य हमारे किसान भाई जो है आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन तुमने वास्तविकताओं को वहां जाकर देखा कि वास्तविकता सिर्फ और क्या क्या हो सकती है, कि वहां क्या है, जमाखोरी है, जो बड़े बड़े साहूकार है वो कर्ज में उनके घर तक हड़प गए। तो व्यक्तिगत जो हमें मेन फैक्ट्स पता चल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ साक्षात्कार से ही पता चल सकते हैं। ऐसे ही गुणात्मक तथ्यों के लिए देखिए, गुणात्मक तथ्य किसे कहते हैं, किसी के व्यवहार, मनोवृत्ति, किसी के बारे में जब हमें जानना होता है, कि कई बार हम कहते हैं अरे ये व्यक्ति जो है बड़ा एग्रेसिव है, हम उसका अंदाजा कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, कई बार हमने बड़े बड़े साइकेट्रिस्ट को और डॉक्टरों को इलाज करते देखा है, और वो इलाज किस आधार पे करते हैं बच्चों, पहले वो पेशेंट से कुछ प्रश्नों को पूछते हैं। ठीक है, जैसे कोई साइकेट्रिस्ट के पास गया कि मुझे नींद नहीं आती, डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशान चल रहा हूं, पिछले एक हफ्ते से मुझे नींद नहीं आ रही है। अब साइकेट्रिस्ट डायरेक्ट उसे नींद की गोली नहीं देता है बच्चों, पहले वो जानने की कोशिश करता है इस व्यक्ति के दिमाग में चल क्या रहा है। वो प्रश्नों को पूछता है, कब से नहीं आ रही है नींद, कि एक हफ्ते से, उससे पहले से आ रही थी, हाँ आ रही थी, अच्छा रात को क्या खाते हो खाने में, ये आजकल तो मुझे भूख भी नहीं लग रही है, अच्छा भूख भी नहीं लग रही है, अच्छा अब एक बात बताओ, घर में किसी से झगड़ा तो नहीं हुआ है, कि नहीं झगड़ा तो किसी से नहीं हुआ है, सब कुछ सामान्य है, नौकरी करते हो, कि हाँ करता हूँ, कार्यस्थल पर कैसा चल रहा है, वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन एक कर्मचारी से थोड़ा आपस में झगड़ा हो गया है, अच्छा कब से हुआ है, एक हफ्ते पहले से, अच्छा डॉक्टर ने धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर के मस्तिष्क को पढ़ना शुरू किया, इसके पीछे नींद न आने के कारण इसके आपसी डिस्प्यूट्स हो सकते हैं जो उसके वर्किंग प्लेस पे इसको मेंटली हैरॉस कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो यहाँ पर आए ना गुणात्मक तथ्यों के लिए, जब हम किसी के व्यक्ति के व्यवहार को, उसी की मनोवृत्ति को या किन्हीं चीजों को इससे संबंधित जानना चाहते हैं, तो वो सिर्फ साक्षात्कार के माध्यम से ही पॉसिबल है। जो डॉक्टर के द्वारा लिया जाता है, जब हम सिंपली जब डॉक्टर के पास दवा लेने जाते हैं कि क्या हुआ, कि डॉक्टर मुझे बुखार हुआ है, अच्छा कब से हुआ है, परसों से है, छींकें आ रही है, खांसी आ रही है, वो तुम्हारे सिम्टम जानने की कोशिश करता है, वो कहेंगे नहीं छींके तो नहीं है, खांसी भी नहीं है, अच्छा बुखार बुखार आ रहा है, शरीर पे लाल लाने तो नहीं है, कि हाँ वो तो है डेंगू के लक्षण, कोरोना के नहीं है।
कहने का मतलब मेरी बात को समझो कि जब हम किसी के गुणात्मक तथ्यों के लिए तब तक नहीं जान पाएंगे जब हम आमने सामने की स्थिति में उससे कॉन्टेक्ट ना करें या बातें ना करें। बातें भाई साक्षात्कार क्या है, प्रश्नों को पूछना और सामने वाले द्वारा उत्तर उसका दिया जाता है। तो गुणात्मक तथ्यों के लिए भी साक्षात्कार का प्रयोग किया जाता है। अवलोकन का अवसर, देखो हम किसी क्षेत्र में जाते हैं, जैसे मैंने कल कहा था हमें गुजराती संस्कृति का अध्ययन करना है, जब हम अवलोकन के लिए जाते हैं तो अवलोकन के लिए जाने के बाद भी हम वहां क्या करते हैं, लोगों से पूछते हैं अरे ये क्या हो रहा है, ये थाली ऐसे क्यों घुमाई जा रही है, ये टीका यहाँ क्यों लगाया जा रहा है, या ये ऐसे करके ये आपने क्या बांधा है। तो ये भी हम अवलोकन का अवसर मिलता है साक्षात्कार के माध्यम से। तो बच्चों ये है साक्षात्कार के प्रमुख उद्देश्य, ठीक है। अब आता है साक्षात्कार के प्रमुख प्रकार, वेरी इंपॉर्टेंट है। आज हमें ये पता होना चाहिए साक्षात्कार कितने प्रकार का होता है। कई बार हम फेस टू फेस इंटरव्यू, वीडियो इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू बस इसी तक सीमित रहते हैं। जो ये तीन प्रकार मैंने तुम्हें अभी बताए हैं, फेस टू फेस, टेलीफोनिक एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये तीनों जो इंटरव्यू है कॉर्पोरेट सेक्टर्स में ज्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। देखो वहां क्या होता है, सबसे पहले टेलीफोनिक इंटरव्यू के माध्यम से कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है, उन्हें सूचनाएं दी जाती हैं, फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उनसे इंटरव्यू किया जाता है, और चयनित कैंडिडेट को फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ये कॉर्पोरेट और मैनेजमेंट बड़ी बड़ी कंपनीज में, मल्टीनेशनल कंपनीज में जो इंटरव्यू साक्षात्कार आयोजित किए जा रहे हैं वो इस प्रकार के किए जा रहे हैं। लेकिन इस समय हम प्रॉपर इंटरव्यू के टाइप्स की बात कर रहे हैं, साक्षात्कार के प्रकारों की बात कर रहे हैं जो हम सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में इस्तेमाल में लाते हैं। तो साक्षात्कार के प्रकार अगर हम देखें, उद्देश्य के आधार पर साक्षात्कार तीन प्रकार के होते हैं। अध्ययन के उद्देश्य नहीं, अगर हम साक्षात्कार के उद्देश्य देखें तो उद्देश्यों के आधार पर साक्षात्कार तीन प्रकार के होते हैं, निदानात्मक, उपचारात्मक और अनुसंधानात्मक। मैं सबसे पहले बताती हूँ निदानात्मक साक्षात्कार, ध्यान रखना अध्ययन के उद्देश्यों के आधार पर साक्षात्कार तीन प्रकार के होते हैं, निदानात्मक, उपचारात्मक और अनुसंधानात्मक। जो निदानात्मक साक्षात्कार होते हैं वो किस लिए आयोजित किए जाते हैं, जब कोई समस्या पैदा हो जाती है और उस समस्या का निदान प्रस्तुत करना होता है। ध्यान से समझना, जैसे कोई समस्या है, समस्या क्या है, समस्या जैसे मलेरिया फैल रहा है, हैजा फैल रहा है, डेंगू फैल रहा है तुम्हारे शहर में। अभी हमने पिछले कुछ महीनों में देखा था कि डेंगू बहुत ज्यादा फैल रहा था। अब हमने देखा कि डेंगू के पीछे कारण क्या है कि मच्छर, अच्छा मच्छर है तो सरकार कोई उपाय नहीं कर रही है, तो विभिन्न पत्रकारों के माध्यम से सरकार के, निगम के, अन्य कर्मचारियों का साक्षात्कार लिया गया कि इसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसका मच्छर कारण है, अगर मच्छर की दवाइयों का छिड़काव किया जाए तो डेंगू के प्रभाव से बचा जा सकता है। तो जब हमें इसका कंक्लूजन पता चला तो सारे शहर में मच्छर की दवाई का छिड़काव कराया गया। यानी जब कोई समस्या होती है, साक्षात्कार के माध्यम से हम उस समस्या के समाधान को पता लगा देते हैं, और हमारा उद्देश्य ही होता है कि किसी समस्या के संबंध में जानकारी प्राप्त करना। तो ऐसे साक्षात्कार को क्या कहा जाता है, निदानात्मक साक्षात्कार, क्योंकि इसमें समस्या के पीछे निहित कारण को जाना जाता है तब उसका निदान प्रस्तुत किया जाता है। एक आता है उपचारात्मक साक्षात्कार। अभी अभी मैंने तुम्हें बताया ना, डॉक्टर डॉक्टर तुम्हारा उपचार कब करता है, जब तुमसे तुम्हारी सारी समस्या, बीमारी और उसके सिम्टम के बारे में जान पाता है, उसे कहते हैं उपचारात्मक साक्षात्कार।
उपचारात्मक साक्षात्कार मात्र डॉक्टर द्वारा नहीं, बहुत सारे क्षेत्रों में, जैसे अगर तुम रिसर्च करने जा रहे हो, तुम महिलाओं के ऊपर रिसर्च कर रहे हो। लास्ट ईयर बच्चों मेरा एक कुछ दो बच्चों ने टॉपिक लिए थे कि पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका, कि जो ग्राम पंचायतें होती हैं उनमें विमेन्स की क्या पोजीशन है। तो हमने देखा उत्तराखंड में अगर हम देखें पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण है, लेकिन यहाँ पे महिलाएं 67% से भी ज्यादा पंचायतों में प्रधान बन के बैठी हुई हैं। लेकिन वास्तविकता देखें तो प्रधानपति महिलाएं प्रधान है, काम उनके पति करते हैं, तो प्रधान तो महिलाएं कुछ बन गई, कुछ तो बोर्ड है, लेकिन कुछ क्या है, महिलाओं के नाम पे इलेक्शन लड़वा दिया, कार्य सारे उनके पति देख रहे हैं और उसको एक नाम दे दिया गया प्रधानपति। तो जब हमें ये पता चला इस तरह की समस्याएं, इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं, तो जाके हमने लोगों को अवेयर किया, महिलाओं को जागरूक किया। तो उपचारात्मक साक्षात्कार, साक्षात्कार की ऐसी प्रक्रिया है जिनमें समस्याओं के जानने के उपरांत उनके उपचार को प्रस्तुत किया जाता है, वो कहते हैं उपचारात्मक साक्षात्कार। अनुसंधानात्मक साक्षात्कार किसे कहते हैं, जिसमें खोज की जाती है। इसको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी। कोरोना वायरस आया था, COVID-19 जिसे हम कहते हैं, जब COVID-19 आया ना तो इसकी कोई दवाई थी, ना कोई वैक्सीन थी, ना ही कुछ था, लोग त्रस्त थे और बस ये ढूंढ रहे थे कि इसमें क्या उपचार या क्या इसका उपाय करें जिससे हम कोरोना के वायरस से बच सके। तब विभिन्न बड़ी बड़ी कंपनियों ने रिसर्च किए और वैक्सीन अस्तित्व में आई। तो अनुसंधानात्मक साक्षात्कार साक्षात्कार की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह जाना जाता है कि इसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं, इसका उपचार कैसे कर सकते हैं, और उसके चीजों को खोजा जाता है। तो ऐसे साक्षात्कार को क्या कहा जाता है, अनुसंधानात्मक साक्षात्कार। अवधि के आधार पर साक्षात्कार दो प्रकार के होते हैं, मतलब जब हम किसी से, कई बार क्या होता है टाइम बाउंड होता है, लोक सेवा आयोग या बड़ी बड़ी कंपनी जब साक्षात्कार लेती है तो वो साक्षात्कार के लिए टाइम लिमिट कर देती है कि एक कैंडिडेट को 20 मिनट से ज्यादा समय नहीं देना है। किसी का 18 मिनट में खत्म हो जाता है, किसी का 22 मिनट में। तो अवधि के आधार पर साक्षात्कार दो प्रकार के होते हैं, अल्पकालिक और दीर्घकालिक। अल्पकालिक कहते हैं वो शॉर्ट होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। दीर्घकालिक होते हैं जैसे बड़े बड़े IAS के इंटरव्यू मैंने देखा है, 45-45 मिनट तक, एक एक घंटे तक इंटरव्यू चलते हैं। तो अवधि के आधार पर साक्षात्कार दो प्रकार के होते हैं, अल्पकालिक और दीर्घकालिक। संपर्क के आधार पर साक्षात्कार दो प्रकार के होते हैं, संपर्क मतलब जैसे हम अवलोकन के माध्यम से किसी क्षेत्र में गए और मुझे एक क्षेत्र में महिला मिली और मैंने उस महिला से पूछा, वो हुआ प्रत्यक्ष संपर्क, आमने सामने की स्थिति में साक्षात्कार किया। एक होता है अप्रत्यक्ष संपर्क। अप्रत्यक्ष संपर्क हम टेलीफोनिक भी कह सकते हैं, जो हम टेलीफोन के माध्यम से, हम किसी गुजराती उसमें जाए ना, एक महिला है उसको फोन करके पूछे कि मैडम आपके यहाँ गुजरात में कौन कौन से त्योहार आयोजित किए जाते हैं, तीज त्योहारों के साथ साथ शादी विवाह के उत्सव, तो वो होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष बिल्कुल आमने सामने की स्थिति में, अप्रत्यक्ष जिसमें होता है सामने उपस्थित नहीं होता, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेलीफोनिक उसी में आते हैं। एक होते हैं औपचारिकता के आधार पर साक्षात्कार, औपचारिक और अनौपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल। एक बार बताओ फॉर्मेलिटी, फॉर्मल, औपचारिकता, ठीक है। अगर तुम मैं रिसर्च टॉपिक दूंगी और कहने जाऊंगी कि बच्चों जाओ इस पे रिसर्च करके आओ, अब ये बताओ ये औपचारिक साक्षात्कार होगा कि अनौपचारिक?
औपचारिक कैसे होगा? औपचारिक होगा क्योंकि औपचारिक औपचारिक तो फॉर्मेलिटी होती है, जैसे हम जॉब के लिए देने जाते हैं, जॉब प्रोफाइल होता है, ये तो अनऑफिशियल है। और तुम तो रिसर्च कर रहे हो, किसी भी व्यक्ति से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। औपचारिक कहते हैं बेटा, जैसे मैंने आवेदन किया असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो जब मैं देने गई वो औपचारिक इंटरव्यू होगा, क्योंकि उसमें मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, मेरे विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी फॉर्मल औपचारिकता जिसमें पद से संबंधित दायित्वों को मतलब एक तरह से बाउंडेड होता है। वो अनौपचारिक कहते हैं जिसकी कोई सीमाएं नहीं होती है, हम कुछ भी पूछ सकते हैं, आप कहाँ रहते हो, आपके कितने बच्चे हैं, आप क्या करते हो, क्या कहाँ जाते हो लकड़ी लेने, कौन से जंगल जाते हो, कौन सी लकड़ी लाते हो, तो उसकी कोई सीमाएं नहीं होती। तो ये है बच्चों साक्षात्कार के प्रकार, ये हो गया इंटरव्यू।